मैं ठहरा एक आम ईमानदार पत्रकार, एक साथ 40-50 हजार रुपए कहां से निकालूं? और चाचा जी, बस ये ले। ये क्या है? इसमें 30 हजार रुपए हैं। नहीं 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 चाचा जी, ये मैं नहीं रख सकता। रख, ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी। अरे लेकिन बबरलाल, तुमको कन्वेंस होना ही था, तो फिर कल रात को मीटिंग में वो कैंडला करने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अय्यर भाई, पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाइए। रात गई बात गई। हाँ पटेल भाई, संडे तक का टाइम है, तो अगर आपको कोटेशन भेजना हो तो भेज दीजिए। ले, कब से ये सब काम कब से छोड़ दिया आपने? ओ, मुझे पता नहीं था, सॉरी। तो अभी क्या काम करते हैं आप? पुरानी बिल्डिंग को गिराने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं? अरे नहीं भाई, नहीं, हमको हमारी सोसाइटी गिरानी नहीं है। सॉरी भाई, आपको फोन किया। सेठ जी, गोकुलधाम सोसाइटी का प्लास्टर और कलर काम का कॉन्ट्रैक्ट देना है ना? हाँ, क्यों, आपके ध्यान में है कोई जान पहचान वाला कॉन्ट्रैक्टर? हाँ सेठ जी, है ना, बहुत मेहनती है और बहुत ईमानदार भी, और काम में नंबर वन। ऐसा काम करेंगे सेठ जी कि आप लोग खुश होके ज्यादा पैसा दे देंगे। अरे वाह, तो कौन है, कौन वो कॉन्ट्रैक्टर? चाचा भतीजा है? चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर हम है, चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक। अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी कभी खोली आप लोगों ने? अभी पटेल भाई के ना बोलते ही तुरंत तक झड़प ली। तो आपको क्या लगता है, मुंह खोलने से कंपनी खुल जाती है? वाड़ी, ऐसे कंपनी नहीं खुलती है। कितना वो कागज पत्र करना पड़ता है, गवर्नमेंट में जाके वो रजिस्टर करानी पड़ती है, तब जाके कंपनी खुलती है। जैसे ही आप हाँ बोलेंगे, बागा भी जाके कंपनी रजिस्टर करवा के आ जाएगा। एक भाचा चतीजा, ए चाचा भतीजा, ए चाचा, ए भतीजा, यहाँ पे सोसाइटी का प्लास्टर और कलर के काम की बात हो रही है, सोसाइटी की दीवार पे सर्कस का पोस्टर लगाने की बात नहीं हो रही है कि आप लोग कर लेंगे? सेठ जी, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओहो, अच्छा, तो आप लोगों को इस काम का अनुभव है? नहीं, हमें अनुभव तो नहीं है, लेकिन हमारे पास अनुभवी कारीगर हैं। हाँ सेठ जी, हमारी चाली में आधे से ज्यादा बिल्डर रहते हैं। चाली में बिल्डर रहते हैं? हाँ सेठ जी, हमारी चाल में कितने सारे कड़िए लोग रहते हैं। कड़िया लोग बिल्डर है? कड़िए लोग ही बिल्डिंग बनाते हैं ना, रसोई थोड़ी बनाते हैं। सेठ जी, जैसे पेंटिंग करने वाले को पेंटर कहते हैं, वैसे ही बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर ही हुए ना। मतलब फिर क्या ये नौकरी छोड़ देने का विचार है? नहीं नहीं सेठ जी, तो फिर दुकान कैसे चलेगी? नौकरी तो हम करेंगे ही, और कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आदमी भाड़े पे रख लेंगे। हाँ नटू काका, जब मेरा काम यहाँ नहीं होगा तब मैं गोकुलधाम में रहूंगा, और मैं सुबह शाम वहाँ मुआयना करने आया जाया करूंगा। ओ जोक करने वाले जोकरो, ये ख्याली खिचड़ी पकाना बंद करो और चुपचाप काम पे लगो। सेठ जी, आप नहीं चाहते कि हम जीवन में आगे बढ़े? नहीं चाहता। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम ये नौकरी छोड़ दें? ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे, भरने दो इनको टेंडर।
वैसे भी भिड़े इनका टेंडर रिजेक्ट ही कर देगा। ठीक है, भरो तुम लोग टेंडर। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेठ जी। वाह सेठ जी हो तो आप जैसे। सेठ जी हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम आपको पार्टनर बना देंगे, क्यों भागा? जरूर सेठ जी, हम भले ही सेठ हो जाए पर हमारे सेठ आप ही रहोगे। You're right, बागा। तो आज रात को पद्मावती भोजनालय से सीधा शंकर कड़िया के घर। नटू काका आप फिकर मत कीजिए, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया ना तो हमारे पास कड़िए से लेकर पेंटर तक की फौज है। भागा तो अब तू ही बता कोटेशन कैसे देना चाहिए। नटू काका मेरे पास ये 3-4 कोटेशन के सैंपल है, इसमें से देख देख कर हम अपना कोटेशन तैयार कर लेंगे। वाह भागा वाह, यू आर ब्रिलियंट जीनियस एंड व्हाट नॉट आई से। एक मिनट, देख बागा, लेबर और मटेरियल का कुल मिलाकर 25 लाख का कोटेशन बनता है। ओहो नटू काका, मतलब इसमें 30% के आसपास का मार्जिन होता है। हाँ, लेकिन बागा ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है, हमें कमाना नहीं है। बराबर है नटू काका, और वैसे भी गोकुलधाम अपनी सोसाइटी है, उसमें क्या कमाना। तो बागा हम एक काम करते हैं, हमारी 30% की कमाई हम छोड़ देते हैं। बराबर, और मटेरियल सारा हम अपने गांव के रमेश भाई से मंगवा लेंगे, तो 20% डिस्काउंट वो भी हमें दे देंगे। एक मिनट, आपने कितने गिने? 25 लाख। 25 लाख में से ये गए और 20% रमेश भाई। ये लीजिए नटू काका, 16 लाख का कोटेशन बन सकता है। और कम कोटेशन रहेगा तो चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हाँ नटू काका, गोकुलधाम का भला होगा और हमारी नई दुकान चालू हो जाएगी। इतना सस्ता कोटेशन और कोई नहीं दे सकता। बस तो बागा, मिला हाथ। अब हमें गोकुलधाम सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और भाई भिड़े, हमने इतनी मेहनत की तो ये टेंडर वेंडर कुछ आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल जी, पिछले 4 दिन में 10 टेंडर आ चुके हैं। और खास बात ये है कि एक टेंडर जो है वो चाचा भतीजा एंड कंपनी का है। हाँ, और जानते हो उसके मालिक कौन है? कौन कौन कौन? नटू काका और बागा। क्या बात है। वाह जयलाल वाह, तुम तो कमाने का कोई मौका छोड़ते ही नहीं हो। ओ अय्यर भाई, क्या कमाने का कोई मौका छोड़ते नहीं हो, उल्टा मैंने तो उनको मना किया था कि यह तुम्हारा काम नहीं है भाई, तुम लोग रहने दो। नहीं नहीं बेटा, देखो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ क्या मतलब? मतलब कि किसी के भी टैलेंट को कम करके नहीं आंकना चाहिए ना। ठीक है भाई, कम मत आंको, लेकिन उनका कोटेशन बराबर है कि नहीं वो देख के आंकना भाई, मेरे पहचान वाले इसलिए ज्यादा मत आंकना। वो तो वैसे भी भिड़े भाई, किसका क्या वर्किंग एक्सपीरियंस है, किसकी क्या कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, ये सब देख के ही मेरे ख्याल से टेंडर तो पास होगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब। हाँ तो भाइयों, बहने मत बोलना, वो सब घर पर हैं। कमाल है आपन। सोडी पी रहा। सोडी? सोडा ही पी रहा है ना भाई? सोडा चढ़ गई। हाँ हाँ हाँ, बस बस विषयांतर नको। तो बोले तो दो। बोलो बोलो भाई बोलो। अरे अय्यर भाई, क्या कर रहे हो भाई? वो भिड़े कुछ बोल रहा है, शांत रहो। यार मैं किधर बोला? आप मन में बोलते हैं ना तो भी सुनाई देता है भाई। तो मैं ये बोल, बोलना शुरू करो। क्या बोलना? बोलो बोलो भिड़े भाई बोलो। नहीं आप सबका हो गया तो बोलूं मैं? नहीं नहीं हो गया बोलो बोलो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोल यार बोल। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह ठीक 9 बजे कंपाउंड में मिलना है टेंडर फाइनल करने के लिए, तो वक्त पर पहुंच जाना। ए भाई, तुम मेरा सामना देख क्या क्यों बोल रहा है?
क्या जेठालाल, तुम्हें ऐसे मौकों पर जरा लेट आने की आदत है ना, और कल संडे है तो तुम आराम से उठोगे, इसलिए जरा याद दिला रहा हूँ। जेठालाल तुम है ना कल टाइम पर आ जाना। मैं काम करता हूँ यार भाई, आज रात को मैं आपके घर पे सो जाता हूँ। क्यों? नहीं नहीं, क्या है, कल सुबह आप मुझे जल्दी जगा देना, फिर हम दोनों साथ में रेडी होके टाइम पे मीटिंग में पहुंच जाएंगे। तो क्या आपको टेंशन नहीं ना कि मैं मीटिंग में लेट आऊंगा कि क्या करूंगा? जगा जगा, चला चला, ये ज्यादा कल टाइम पर पहुंच जाएगा। चलो चलो चलो, तो मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का आज के इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं हमारे कमेटी मेंबर माननीय पत्रकार पोपटलाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जो पहले रूठ गए थे लेकिन अभी मान गए हैं और इन्होंने गोकुलधाम रिनोवेशन के काम के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेहरबानी भाई, मेहरबानी। थैंक यू भिड़े, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गोकुलधाम के रिनोवेशन के लिए टेंडर्स मंगवाए थे, कुल मिला के हमारे पास 12 टेंडर्स आए, जिसमें से मैंने अपने कमेटी मेंबर्स ललिता जी और मैंने मिलकर 4 टेंडर शॉर्टलिस्ट किए, उसमें से एक टेंडर हम सभी मिलकर फाइनल करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये काम पूरी पारदर्शिता से हो। ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहला टेंडर है के मर्चेंट कंस्ट्रक्शन। आपने 32 लाख का कोटेशन दिया है, जो हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपका टेंडर हम कैंसिल करते हैं। सॉरी। दूसरा है चाचा भतीजा एंड कंपनी, यानी नड्डू काका और बाघा जी का। इनके टेंडर की खास बात यह है कि इन्होंने सबसे कम भाव का कोटेशन दिया है। थैंक यू भिड़े साहब, थैंक यू वेरी मच। मिल गया बाघा, मिल गया। सुनिए सुनिए सुनिए, टेंडर मिलने की खुशी में आप सबको चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से टेंडर कोकोनट आइसक्रीम की पार्टी। फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही लोगों को मिलना चाहिए। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, अरे दया शांति रख भाई, एक मिनट। अरे भाई तुम लोगों को अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला किधर है? वो भीड़े कुछ बोलते बोलते देख ऐसे ही अटक गया है। पहले पूरी बात तो सुनो उसके। सबसे पहले बाघा और नटू काका आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देखिए मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, हम लोग आपका टेंडर फाइनल नहीं कर सकते। हाँ क्यों? क्या क्यों भाई, आपका कोटेशन 16 लाख का है। अगर ज्यादा लग रहा है तो 50,000 कम कर देंगे। क्या कम कर देता हूँ बाघा, हमारे पास जितने भी कोटेशन आए वो 28 से 30 लाख के बीच में आए हैं, और आप लोगों ने 16 लाख का कोटेशन दिया है तो अच्छा है ना। ललिता मैडम का भी यही कहना है कि अगर आप सस्ते से सस्ता सीमेंट यूज करोगे, फालतू से फालतू कलर भी यूज करोगे ना, तो भी आपका कोटेशन 16 लाख नहीं होना चाहिए। पॉइंट पॉइंट। भिड़े भाई हमें कमाना नहीं है, हमें बस अच्छा काम करना है। नड्डू काका वी आर वेरी सॉरी, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हम आपका टेंडर फाइनल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब बचते हैं 2 टेंडर, इन दोनों ने 8 से 10 हफ्तों में काम पूरा करने का वादा किया है। सबसे पहले है बेचर चौहान कंस्ट्रक्शन, इनका कोटेशन है 28 लाख का है, और इन्होंने 3 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है, और इनका 8 से 10 साल के काम का अनुभव है। दूसरा है पाटिल ब्रदर कंस्ट्रक्शंस का, इनका बजट है टोटल 29 लाख का, और इन्होंने 4 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है।
और इनका भी लगभग सेम ही अनुभव है। ललिता जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से बेचर चौहान कंस्ट्रक्शन को ऑर्डर देना चाहिए। 1 लाख का फायदा भी हो रहा है और मैं खुद सुपरविजन करूंगी, तो काम और क्वालिटी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, तो 10 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी यही कहने वाला था। तो भाइयों, जैसा कि ललिता मैडम ने कहा। रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। मेरा नाम रूबी है, ये हमारी कंपनी का टेंडर है, प्लीज इसे ले लीजिए। सॉरी मैडम, आप बहुत लेट हो गई, अभी हम लोग कोटेशन नहीं ले पाएंगे। नहीं भाई, नहीं, अभी ऐसे नहीं हो सकता भाई, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ले लीजिए। अरे ऐसे कैसे टेंडर ले लीजिए, आप इतने दिन क्या कर रहे थे, टाइम पे आना चाहिए। वो क्या है ना, हमें सुबह ही पता चला तो तुरंत कोटेशन बनाकर टेंडर ले आए। प्लीज इसे ले लीजिए, सोसाइटी का फायदा होगा। देखो, अगर सोसाइटी का फायदा हो रहा है तो मेरे हिसाब से एक बार इनका टेंडर देख लेना चाहिए। जेठालाल, तुम्हारी आधी बात बिल्कुल ठीक है कि सोसाइटी का फायदा होगा, लेकिन इस वजह से अपन रूल्स में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना, टाइम लिमिट इज टाइम लिमिट। जेठा भाई, ये तो रूल तोड़ने वाली बात हो गई, टेंडर का वक्त तो पूरा हो गया है। नहीं नहीं, मानता हूँ टेंडर का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन क्या है, अभी तक हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं है ना। क्या है, अगर किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट दे चुके होते इसके बाद ये लड़की आई होती तो बात समझ में आती है कि भाई हम रूल तोड़ के फिर इनका टेंडर वापस ले रहे, लेकिन अभी तक हमने टेंडर दिया नहीं है किसी को। तो मेरे हिसाब से सोसाइटी का फायदा हो रहा है तो एक बार इनका टेंडर स्वीकार करके एक नजर मार लेनी चाहिए। क्या बोलते हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो जेठा ब्रा, है माता साहब। हां ठीक है, देख लीजिए। ठीक है भाई, तो ठीक है। देखिए मैडम, वैसे तो अभी हम लोग ये कोटेशन नहीं स्वीकारते, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है, लेकिन चूंकि जेठालाल ने सुझाव दिया है सोसाइटी का फायदा हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये टेंडर का स्वीकार करते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ओके दाई, थैंक यू। ये कोटेशन मिला है हमें डीएनटी कंस्ट्रक्शन की तरफ से, इनका कोटेशन है 26 लाख का और इन्होंने 10 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है और साथ में कंपाउंड को एक्स्ट्रा लुक देने का भी वादा किया है। और सबसे मेन और अहम बात यह है कि सोसाइटी और सिविल इंजीनियर के सेटिस्फेक्शन के बाद ही इन्होंने पूरा पेमेंट लेने का वादा किया है। अरे ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है इनका भाई, मेरा हिसाब से तो इनको ही देना चाहिए, बहुत बहुत बेस्ट है ऑफर ये। ऐसा ऑफर है तो फिर सोचना क्या, तो इसको फाइनल करें, आप क्या बोलते हो कमेटी मेंबर्स? कमेटी को भी यही लगता है। बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। ललिता जी ओके। तो मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में जाहिर करता हूँ कि गोकुलधाम के रिपेयरिंग और रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट डी एंट्री कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। थैंक यू जेठालाल, तुम्हारी वजह से टेंडर खुल गया। बराबर है ना, अभी क्या पैसा का भी लफड़ा नहीं है, पूरा काम अगर पसंद नहीं है तो काम के बाद ही पैसा देना है हमको, हमको तो पहले को देना है नहीं। अरे अरे सही बात, बढ़िया बढ़िया ऑफर है, वाह लड़की, क्या रूबी। थैंक यू सो मच सर। अरे मैडम, लेकिन आपके कंपनी के ओनर कहाँ हैं? बस आते ही होंगे, एक सेकेंड। हाँ अच्छा, हेलो सर, हमारी कंपनी का टेंडर पास हो गया है, आप आ जाइए। आ जाइए, बस आ ही रहे। इनके सर इधर बारी खड़े थे क्या अब्दुल दुकान के पास, कैसे सर करके आ गए? मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट मिला ना इसलिए आए, नहीं मिला तो वहीं से। कल
ना कीजिए मित्रों, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और समोसे का ऑर्डर करें, मान लीजिए समोसा 5 रुपए का है और 5 रुपए की जगह आपके पास 5,000 का बिल आ जाए तो कैसे झटका लगेगा? आप रस्ते में आपका पांव किसी गड्ढे की बजाय कुएं में गिर जाए तो आप घर पे लौटे और देखें कि 20 मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। कुल मिला के इन तीनों ही परिस्थितियों में ऐसा झटका लगेगा जिससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका लगा है मेरे मित्र जेठालाल को जब ये पता चला कि उनके साले सुंदरलाल D&T कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। अब क्या किया जाए साहब? देखिए ये जमाना मार्केटिंग का, विज्ञापनों में जो चीज नजर आती है वो असल प्रोडक्ट में नहीं होती, इसे ही मार्केटिंग कहते हैं। और इसी विज्ञापन और मार्केटिंग के बलबूते जेठालाल के मुंह से हाथ तो निकल गई है भाई सुंदरलाल को टेंडर दिलवाने के लिए। अब क्या होगा? क्या जेठालाल सुंदरलाल को ये टेंडर, ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे या फिर चाइना वॉल की तरह सुंदर बीच में आ खड़े होंगे? इस बाढ़ से बचने का क्या कोई उपाय है अब जेठालाल के पास? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये बाढ़ आपके घरों में हंसी का भवंडर जरूर लेके आएगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।